fourth class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will continue our remaining chapter, chapter number 6. हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो नागार्जुन थे उन्होंने एक एक रसायन देकर दोनों नवयुवकों को, दोनों नौजवानों को उन्हें बोला था कि एक एक पदार्थ दिया था और बोला था एक एक रसायन बना कर लाओ। तो जब वो दोनों आते हैं अगले दिन, तो एक जो नौजवान होता है वो तो उसका चेहरा चमक रहा होता है और जो दूसरा होता है उसका चेहरा कैसा होता है, उदास होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। नागार्जुन ने पहले उसी से पूछा, तुम उदास क्यों हो? नागार्जुन ने जो उदास खड़ा था ना, पहले उसी से पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? आचार्य जी, मैं आपका अपराधी हूँ। युवक की नज़रें झुक गईं। जो किसने बोला ये? जो उदास था ना, उसने बोला कि आचार्य जी, मैं आपका अपराधी हूँ। और ऐसा बोलते ही उसकी जो नज़रें थी वो नीचे झुक गई। आपके दिए पदार्थ को मैंने तुरंत पहचान लिया था, किंतु उसका कोई भी रसायन तैयार नहीं कर सका। जो आप, वो कह रहा कि आपने जो मुझे पदार्थ दिया था वो मैंने पहचान तो उसी टाइम लिया था, लेकिन मैं उसका कोई भी रसायन तैयार नहीं कर सका। इस पर पहला युवक तपाक से बोल उठा। तपाक से बोल उठा मीन फटाफट से वो बोल उठा, आचार्य जी, मैंने रसायन तैयार कर लिया है। नागार्जुन ने उसके बनाए रसायन की जांच की, गुण दोष पूछे। युवक ने सभी उत्तर सही दिए। अब क्या हुआ, जब उसने बोला कि मैं रसायन नहीं बना पाया, तो जो दूसरा था, दूसरा नौजवान जो था, युवक जो था, वो फटाफट से बोल उठा, मैंने तो बना लिया। तो जो नागार्जुन थे उन्होंने उसकी बनाए गए रसायन की जाँच की, और जांच करने के बाद उससे क्वेश्चन पूछे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सब कुछ पूछे। उस युवक ने सही सही उत्तर दे दिए। दूसरा युवक तो नज़रें तक नहीं उठा पा रहा था, जिसने रसायन नहीं बनाया था ना, उसकी नज़रें ही नहीं उठ रही थी, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। नागार्जुन ने उससे फिर पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? नागार्जुन ने फिर से पूछा उससे कि एटलीस्ट कारण तो पता चले ना कि तुम क्यों नहीं बना पाए। युवक ने बताया, आपकी आज्ञा अनुसार मैं राजमार्ग से गुजर रहा था। उन्होंने नागार्जुन ने बोला था ना दोनों नवयुवकों को कि आप राजमार्ग से होकर जाना, उसने बोला आपकी आज्ञा अनुसार, आज्ञा अनुसार जैसा कि आपने बोला था उसी तरह मैं उस राजमार्ग से गुजर रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। अचानक उसने क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है, कोई उसे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा। मेरा दिल पसीज गया। मैं उठाकर उसे अपने घर ले गया। वह इतना बीमार था कि मैं उसकी सेवा करने में उलझ कर रह गया। रसायन तैयार करने का समय ही नहीं मिला। उसने क्या बोला, जैसे कि आपने बोला था कि राजमार्ग से जाना, मैं राजमार्ग से जा रहा था, तो वहीं पर मुझे पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी दिख गया बैठा हुआ। उसकी हालत इतनी ख़राब थी और कोई उसे पानी भी नहीं पूछ रहा था, तो उसने क्या बोला, मेरा दिल पसीज गया। पसीज गया मीन्स क्या होता है, मुझे दया आ गई उसके ऊपर कि इतना बीमार व्यक्ति और इसे कोई पानी तक भी नहीं पूछ रहा। तो उसने क्या किया, उस बीमार व्यक्ति को उठाया और उसे अपने घर उठाकर ले गया। वहाँ पे उसने उसकी पूरी सेवा की, उसका ख्याल रखा। अब आप खुद बताओ, घर में अगर कोई बीमार होता है तो उसकी सेवा करनी पड़ती है ना, उसे टाइम टू टाइम खाना देना, उसकी दवाई देना, जो भी उस प्रोसेस होता है सब कुछ करना। तो वो कह रहा कि मैं इतना बिजी हो गया उसकी सेवा करने में कि मुझे रसायन बनाने का समय ही नहीं मिला। तुमने उचित किया। किसने बोला, नागार्जुन मुस्कुरा कर बोले, तुमने उचित किया। मैं तुम्ही को अपना सहायक नियुक्त करूंगा। सहायक मीन्स क्या होता है, हेल्पर, यानी कि मैं तुम्ही को अपना हेल्पर रखूंगा। तुमने बिल्कुल सही किया। अब एक बात बताओ, जो रसायन बनाकर लाया था उसे तो नागार्जुन ने रखा नहीं, और जो नहीं बनाकर लाया था उसे नागार्जुन ने रख लिया। अब हम इसका कारण देखते हैं, ऐसा क्यों हुआ। जब राजा और नागार्जुन की मुलाकात हुई तो राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आश्चर्य में हैरानी से पूछा, आपने क्या किया आचार्य जी? जो रसायन बना कर लाया उसे न रखा, और जो नहीं लाया उसे रख लिया। अब थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, राजा और नागार्जुन दोनों की भेंट हुई, आपस में वो लोग मिले। तो राजा जो थे उन्होंने पूछा कि आचार्य जी आपने ये क्या किया, जो रसायन बना कर लाया था उसे तो आपने रखा नहीं, और जो नहीं बना कर लाया था उसे आपने रख लिया। नागार्जुन बोले, हाँ महाराज, जिसने रसायन नहीं बनाया उसने एक बीमार मनुष्य की सेवा की थी। नागार्जुन ने क्या बोला, जिसने रसायन नहीं बनाया ना
उसने एक बीमार आदमी की सेवा की थी। दोनों नौजवान एक ही राजमार्ग से निकले थे, लेकिन एक सेवा करने के लिए रुक गया और दूसरा ना रुका। दोनों नौजवान वहीं से निकले थे ना, नागार्जुन ने बोला था वहाँ से निकलना, तो दोनों वहीं से निकले थे, लेकिन एक तो रुक गया लेकिन दूसरा नहीं रुका। मुझे पहले ही मालूम था कि राजमार्ग के किनारे पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। मैं खुद जाकर लाने की यहाँ सोच रहा था, तभी ये नौजवान आ गए और मैंने उनकी परख कर ली। वो जो नागार्जुन थे वो क्या बोले, मुझे तो पहले ही पता था कि पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। मैं उन्हें लेने ही जा रहा था कि इतने में वो दोनों नौजवान आ गए और मैंने उनकी परख कर ली। मैंने उन्हें टेस्ट कर लिया कि इन दोनों में कितनी समझदारी है। यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला नौजवान मेरे काम का नहीं है। जिसने मानव की तरह मानव की सेवा नहीं की वही मेरे जिसने मानव की तरह मानव की सेवा की वही मेरे काम का है। जो सेवा नहीं कर सकता वह चिकित्सा कैसे करेगा। नागार्जुन ने क्या बोला कि जो यंत्र की तरह काम करे, रोबोट की तरह काम करे, दवाइयाँ बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके दिल में दया नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, उस वो डॉक्टर अपनी दवाइयों को सजाने में लगा है, एक से एक दवाई है उसके पास, लेकिन पेशेंट की जो उसकी हालत है वो उसे समझ नहीं रहा, उसे देख नहीं रहा अच्छे से, उसके दिल में दया नहीं है, तो क्या वो डॉक्टर किसी काम का है? नहीं है। और ऐसा डॉक्टर जिसका क्लिनिक भले ही छोटा हो, वो पेशेंट के प्रति उसके मन में दया है, वो पेशेंट्स का अच्छा इलाज कर रहा है, तो वो डॉक्टर अच्छा है। तो नागार्जुन ने वही बोला कि जो मानव की तरह सेवा कर सके वही मेरे लिए मेरा सहायक है। तो बेटा इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबका साथ देना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम दूसरों का साथ देंगे तो भगवान हमारा साथ देंगे, ठीक है। अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो भगवान हमारी हेल्प करेंगे। तो आपका ये चैप्टर बेटा फिनिश हो चुका है। आपका होमवर्क क्या है, आप इस चैप्टर को अच्छे से घर से रीड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।